हजारी कोर्ट में उनाव दुष्कर्म को लेकर विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़े मामलों में आज फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने 10 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट इस मामले पर पिछले 2 दिसंबर से सभी पक्षों की दलीलें सुन रहा था। कोर्ट ने बचाव पक्ष के 9 और अभियोजक पक्ष के 13 गवाहों के बयान दर्ज किए थे। पिछले 24 अक्टूबर को कोर्ट ने पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों को दिल्ली में रहने की व्यवस्था करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग को इस प्रबंध का करने का निर्देश दिया था। पिछले 1 अक्टूबर को कोर्ट ने उन्नाव के जुडिशियल मजिस्ट्रेट का बयान दर्ज किया था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दुष्कर्म पीड़ित की चाची का बयान दर्ज कराया था। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने पीड़ित की मां का भी बयान दर्ज किया। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीड़ित को पिछले 28 जुलाई को लखनऊ से दिल्ली एम्स में इलाज के लिए शिफ्ट किया गया था। पिछले 11 और 12 सितंबर को जज धर्मेश शर्मा ने एम्स के ट्रामा सेंटर जाकर बने अस्थायी अदालत में पीड़ित का बयान दर्ज किया था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म केस में दिल्ली कोर्ट सोमवार दोपहर 3 बजे फैसला सुनाएगा। भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मामले में मुख्य आरोपी हैं। पुलिस के मुताबिक सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। घटना के करीब 2.5 साल बाद 30 हजारी कोर्ट में 10 दिसंबर को सुनवाई पूरी हुई। इस दौरान कई घटनाक्रमों के चलते पीड़ित एम्स में भर्ती है। उसके पिता, चाची, मौसी की मौत हो चुकी है जबकि चाचा जेल में है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केस लखनऊ से दिल्ली कोर्ट के ट्रांसफर हुआ था। इसके बाद 5 अगस्त से रोजाना बंद कमरे में सुनवाई हो रही थी। इस दौरान अभियोजन पक्ष के दौरान 13 गवाहों और बचाव पक्ष के 9 गवाहों से जिहर हुई। पीड़ित का बयान दर्ज करने के लिए एम्स में स्पेशल कोर्ट बनाया गया था। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत आरोप तय किए थे। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद है। अदालत ने मामले में सह आरोपी शशि सिंह के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। वह लड़की को सेंगर के पास लेकर गए थे। आइए अब आपको बताते हैं कि उन्नाव दुष्कर्म मामले में क्या क्या हुआ। 4 जून 2017 को नाबालिग लड़की का गांव के ही 2 युवकों शुभम और अवधेश ने अपहरण किया था। 11 जून 2017 को पीड़ित परिवार की शिकायत पर दोनों युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके बाद 21 जून 2017 को 10 दिन बाद पुलिस नाबालिग का पता लगा सकी और बरामद कर उसे उसके परिवार को सौंप दिया गया। 22 जून 2017 को पीड़ित ने मजिस्ट्रेट को दिए बयान में 3 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। 1 जुलाई 2017 को कोर्ट में दिए गए पीड़ित के बयान के आधार पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दायर की। वहीं 22 जुलाई 2017 को पीड़ित ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिख इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ित ने इस पत्र में बताया कि विधायक सेंगर ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। 30 अक्टूबर 2017 को विधायक की तरफ से पीड़ित और उसके परिवार के खिलाफ मांखी थाने में मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया गया। उसके बाद 22 फरवरी 2018 को पीड़ित ने जिला अदालत में मांग की थी कि विधायक सेंगर को दुष्कर्म मामले में आरोपी बनाया जाए। 3 अप्रैल 2018 को आरोपी विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर ने साथियों संग पीड़ित के पिता पर मारपीट कर जानलेवा हमला किया था। उसके बाद 4 अप्रैल 2018 को मारपीट मामले में पुलिस ने विधायक के दबाव में पीड़ित के पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया। 9 अप्रैल 2018 को जेल में पीड़िता के पिता हालत दिन पर दिन खराब होती गई और आखिरकार उन्होंने जेल में ही दम तोड़ दिया। पुलिस पर जेल में पीड़ित के पिता का प्रताड़ित करने का आरोप लगा तो उसने दबाव में विधायक के भाई को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 13 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने सुबह 4 बजे दुष्कर्म मामले में आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हिरासत में लिया। लंबी पूछताछ के बाद शाम को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अप्रैल 2018 को सरकार ने अपनी फजीहत होती देखकर विधायक की वाही श्रेणी की सुरक्षा और घर पर तैनात सुरक्षाकर्मी को हटा दिया। उसके बाद 2 मई 2018 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीबीआई ने सील बंद लिफाफे में पूरे केस की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। 8 मई 2018 को सीबीआई ने विधायक के खिलाफ सबूत पेश किए। इसके बाद उसे उन्नाव से सीतापुर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।
17 मई 2018 को जेल में बंद पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दो पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए। उसके बाद 18 जुलाई 2018 में सीबीआई ने दुष्कर्म मामले में चार्जशीट दायर की, जिसमें विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को भी आरोपी बनाया गया। 13 जुलाई 2018 को दुष्कर्म के मामले में सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट दायर की, जिसमें विधायक के अलावा उसके भाई अतुल सिंह सेंगर और तीन पुलिसकर्मियों समेत पांच अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया। 18 अगस्त 2018 को दुष्कर्म मामले के मुख्य गवाह यूनुस की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 4 जुलाई 2019 को पीड़िता के चाचा को 19 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। खास बात यह है कि 19 साल पुराने ये केस आरोपी विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर की तरफ से दर्ज कराया गया था। अतुल भी उन्नाव दुष्कर्म केस में मुख्य आरोपी है। उसके बाद 12 जुलाई 2019 को पीड़ित की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को पत्र लिखा, आरोपी विधायक और उसके लोगों की तरफ से पूरे परिवार को जान का खतरा बताया गया। 18 जुलाई 2019 को पीड़ित का पत्र काफी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में प्राप्त हुआ, लेकिन इसे सिर्फ जस्टिस ऑफ इंडिया के संज्ञान में नहीं लाया गया। 28 जुलाई 2019 रायबरेली के गुरु बख्शगंज थाना क्षेत्र में ट्रक व कार की टक्कर में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई। पीड़ित और कार चला रहे उनके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए। 29 जुलाई 2019 को सड़क दुर्घटना मामले में रायबरेली के गुरु बख्शगंज थाने में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई मनोज सिंह सेंगर, विनोद मिश्र, हरिपाल सिंह, नवीन सिंह, कोमल सिंह, अरुण सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, रिंकू सिंह, वकील अवधेश सिंह सहित 15 से 20 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाते हुए आईपीसी की धारा 302, 307, 506 व 120 बी के तहत हत्या, जानलेवा मामला, हमला, जान से मारने की धमकी और आपराधिक साजिश का केस दर्ज हुआ। 30 जुलाई 2019 को पीड़िता के द्वारा चीफ जस्टिस को लिखा गया पत्र सामने आया। 31 जुलाई 2019 को चीफ जस्टिस ने पीड़ित के पत्र पर संज्ञान लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को पत्र के बेंच के समक्ष प्रस्तुत होने में देरी की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। 1 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म कांड से जुड़े सभी पांच मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट के जज दिनेश शर्मा को प्रतिदिन केस की सुनवाई करने के आदेश दिए। 45 दिन में केस की सुनवाई पूरी करनी होगी। सीबीआई को 1 सप्ताह में जांच पूरी करने के आदेश दिए गए। भाजपा ने आरोपी विधायक को पार्टी से निकाल दिया। 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने रायबरेली की जेल में बंद पीड़िता के चाचा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। उन्होंने यूपी की जेल में जान का खतरा बताया था। उन्नाव प्रशासन ने 2 वर्ष बाद मामले के तूल पकड़ने और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद आरोपी विधायक के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। 5 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अदालत ने रोजाना सुनवाई शुरू कर दी। 16 अगस्त 2019 को बंद कमरे में गवाहों की जिहर हुई, पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की गई। उसके बाद 10 दिसंबर 2019 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर के खिलाफ अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। फर्स्ट जो है, जो 4 केस सीबीए के सामने जो पेंडिंग है, जो उसमें चार्जशीट दाखिल हुआ है, वो केसेस जो है हमें ट्रांसफर पिटिशन डाला था जनवरी में, वो 4 केसेस जो है सीबीआई कोर्ट दिल्ली को ट्रांसफर करने के लिए एक आदेश दिया है। दूसरा जो है, जो संडे जो हादसा हुआ वो भी सीबीआई को सौंप दिया गया, वो केस भी दिल्ली सीबीआई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। दूसरा जो है, जो विक्टिम है, विक्टिम फैमिली मेंबर्स है, उसको हम कह दिया स्टेट पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, एक सेंट्रल पुलिस फोर्स का प्रोटेक्शन दे दीजिए, कोर्ट अटेंड करना और आना, जो कुछ जो जब तक ये केस चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को डायरेक्शन दिया है, इसको जब तक केस ख़त्म नहीं होता, जब तक केस चलता है, वो प्रोटेक्शन देने के लिए कह दिया। उन्होंने पहले इसकी डिमांड किया था सुरक्षा के लिए, इसका संज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन उन्होंने कल सुरक्षा की मांग किया था, इस संबंध में मुझे एक आर्म डकनर उनको उपलब्ध करा दिया गया है। ये पीड़िता के सुरक्षा में 3 व्यक्ति लगे हुए थे, एक पुरुष कनर था और 2 लेडीज कांस्टेबल थी,
जो घटना के दिन अनुपस्थित थी, इस संबंध में उनको मैंने निलंबित कर दिया है और उसकी जांच अभी जारी है। ये पहले भी उस पर कड़ी कार्रवाई किया गया है, आज भी वो हो रहा है, कहाँ इसमें हम बीजेपी उसको कहीं कोई छिपाने की बात है क्या? हमने तो पारदर्शिता पूर्वक कार्रवाई किया है। और ये गलत उस दिन भी कहा गया कि वो सपा के ड्राइवर गाड़ी मालिक है, सपा के गाड़ी थे, तो इसमें बीजेपी का कहाँ से कोई बात हुआ? और वो एक्सीडेंट था, दुर्घटना था या जो भी था, सीबीआई की जांच हो गई है, तो बीजेपी तो ना स्टेट लेवल पर ना सेंट्रल लेवल पर कहीं कोई तरह की बात ही नहीं है। बीजेपी ने कार्रवाई किया है उस पर, पहले भी किया था, आज भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत? जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।